नमस्कार, ऊर्जा के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, पिछले कई एपिसोड्स में हमने बहुत ही विवादास्पद विषय पर बात की, वो है धर्म। धर्म की सही परिभाषा क्या है, उसका सार क्या है, ये भी जाना, ये भी समझा कि चाहे हम अपने आप को किसी भी संप्रदाय का क्यों ना माने, उसके अनुसार त्यौहार मनाएं, व्रत रखें, बस इसी से धार्मिक थोड़ी ना हो जाते हैं। अपने मन को निर्मल करके और एक सरल जिंदगी बिता के तभी हम अपने आप को धार्मिक मान सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, अगर हम सब ये बात मान ले तो धर्म के नाम पे जो झगड़े हो रहे हैं ना, वो तो पूरे के पूरे मिट ही जाएंगे। चलो इसी बात पे चर्चा करते हैं हमारे गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आपने हमें जो धर्म की बात समझाई, अगर सारे लोग इसी बात को समझे तो धर्म के नाम पे तो कोई झगड़े ही ना हो। कोई किसी को बुरा ना कहे, अच्छा ना कहे, ऊंचा ना कहे, नीचा ना कहे, बस धार्मिक और अधार्मिक कहे। बिल्कुल, एक ही मापदंड होता है, कोई व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है, भला है कि बुरा है, ऊंचा है कि नीचा है, ये कई मापदंड से मापा जाता है। उसके जीवन में धर्म कितना उतरा, सदाचरण कितना उतरा, उसका मन कितना संयमित हुआ, उसका चित्त कितना निर्मल हुआ, बस यही मापदंड है और ये सब पर लागू होता है। सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख जगे, दुराचरण दुख ताप। ये केवल किसी ने कह दिया इसलिए मानने की बात नहीं है। जैसे जैसे गहराइयों में जाकर अपने भीतर सच्चाई देखने की विद्या सीखेगा तो खूब जानेगा, अनुभूति से जानेगा कि देख, सदाचार का पालन करते ही कितना सुख जागा, कितनी शांति जागी, और दुराचरण का काम करते ही कितना संताप जागा, कितना व्याकुल हो गया। और ये सब पर लागू होता है। दुराचरण कोई हिंदू करे, कोई बौद्ध करे, कोई जैन करे, कोई ईसाई करे, कोई मुस्लिम करे, कोई ईसाई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही दुराचरण करेगा व्याकुल हो जाएगा, जैसे ही सदाचरण का पालन करेगा सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। धर्म सबके लिए होता है, एक जैसा होता है। हर व्यक्ति धार्मिक बन सकता है। अपने आप को हिंदू कहने वाला भी धार्मिक बन सकता है, बौद्ध कहने वाला भी, ईसाई कहने वाला भी। हमारे यहाँ कठिनाई ये हो गई, दुर्भाग्य की बात हुई, कि संप्रदाय और धर्म पर्यायवाची शब्द हो गए। धर्म बिल्कुल विमुख है, संप्रदाय से बिल्कुल विमुख है। धर्म तो व्यक्ति व्यक्ति को सुधारने का काम करता है। जब आदमी इस बात को नहीं समझता तो कहता मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, मैं कट्टर बौद्ध हूँ, मैं कट्टर जैन हूँ। अरे कट्टर धार्मिक बनो भाई, कट्टर सदाचारी बनो, कट्टर चित्त को निर्मल करने वाले बनो। चित्त को निर्मल करके जीवन में उतारो, धर्म जीवन में उतारो, तो तुम कट्टर धार्मिक हो गए, तेरा भी कल्याण हो गया, औरों का भी कल्याण हो गया। लेकिन जब धर्म तो गौण होता चला जाए और संप्रदाय प्रमुख होता चला जाए तो हानि ही हानि। संप्रदाय होवे प्रमुख और धर्म गौण जब होए, तभी धर्म के नाम पर खून खराबा होए। संप्रदाय जब धर्म कहने लगे, संप्रदाय को धर्म कहने लगे, तो देखेंगे कि उसके परिणाम बुरे ही आए। तो एक ही साधे सब सधे, हमें धार्मिक बनना है, हमें सदाचारी बनना है, चित्त को वश में करना है, चित्त को निर्मल करना है। ये बात हर एक पर लागू पड़ती है, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो। गुरुजी, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया। लेकिन गुरुजी, आजकल के माहौल में अगर लोग धर्म का पालन भी करते हैं फिर भी वो अपने आप को बहुत ही अनसेफ और असुरक्षित पाते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करें जिससे कि दूसरों को हानि भी ना हो?
धर्म क्या है ये समझ में आ जाए, अनुभूति से समझ में आ जाए, और सचमुच जैसे पालन करना चाहिए वैसे पालन करे तो आदमी सुरक्षित हो गया। धर्म के जैसा कोई और रक्षा देने वाला है नहीं। रक्षा कर तू धर्म की, यदि रक्षा की चाह, सत्य धर्म को छोड़कर औरन शरण पनाह। धर्म ही हमें शरण देगा, लेकिन धर्म वो जो हमारे भीतर जागे तो देखेंगे कि धर्म हमेशा हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हमने धर्म की रक्षा कर ली, माने धर्म के जो नियम है, कुदरत के नियम है, उनका हमने पालन किया। धर्म भूल गए क्या होता है? धर्म कुदरत के कानून को कहते हैं, विश्व के विधान को कहते हैं, निसर्ग के नियमों को कहते हैं, जो सब पर लागू होते हैं, जो सार्वजनीन हैं, जो सार्वदेशिक हैं, जो सार्वकालिक हैं, सनातन हैं, सब पर एक जैसे, सभी समय पर, सभी स्थानों पर एक जैसे ये कानून काम करते हैं। ये बात जिस आदमी की जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी उसका कल्याण होना शुरू हो जाए, और अन्यथा तो रक्षा ढूंढता फिरे, यहाँ ढूंढता फिरे, वहाँ ढूंढता फिरे, रक्षा मिलती नहीं। रक्षा अपने भीतर, धर्म की रक्षा करें। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित है। हमने धर्म का हनन किया, उसकी हत्या की, तो धर्म हमारा हनन करने लगेगा। ये प्रकृति का नियम है। हमने धर्म की रक्षा की तो धर्म हमारी रक्षा करने लगेगा, प्रकृति का नियम है। क्या धर्म का हनन होता है? ये जो नियम है धर्म के, मन को मैला मत करो, धर्म का नियम है मन को निर्मल रखो, ये कुदरत का कानून है, निर्मल रखो। निर्मल रखोगे तुम सुख शांति का जीवन जियोगे। तुमने निर्मलता खो दी, मैल जगाया, तो एकदम व्याकुल हो गए। धर्म तुरंत दंड देने लगा, देर नहीं लगती। और जैसे ही विकारों को दूर किया, मन निर्मल हुआ, तब तो कहना ही क्या, धर्म है रक्षा करने लगा। धर्म सदृश रक्षक नहीं, और धर्म सदृश नहीं ढाल, धर्म पालकों की सदा, धर्म करे प्रतिपाल। धर्म का रक्षा तो करें, अपने भीतर कुदरत के नियमों का पालन करें, मन को मैला नहीं होने दें, फिर देखें कैसे रक्षा होने लगी हमारी। जी गुरु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि अपनी रक्षा अपने ही हाथ में होती है। इसी विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरु जी, धर्म की रक्षा ही हमारी रक्षा है। बिल्कुल, इस पर कुछ और विचार बताएंगे। क्या धर्म है ये जो मैं समझाता हूं? कुदरत का कानून धर्म है, और उसको हम तोड़ते हैं तो अधर्म है। जो आदमी कुदरत के कानून के अनुसार अपना जीवन ढालता है, सुरक्षित हो गया। हम केवल बाहर बाहर की सुरक्षा को देखते हैं, भीतर की सुरक्षा को नहीं देखते। भीतर की सुरक्षा ज्यादा आवश्यक है। जो आदमी भीतर से सुरक्षित नहीं है, वो बाहर कैसे सुरक्षित होगा? तो धर्म को जैसे धारण करना चाहिए, उसे समझ करके वैसे धारण करने लगे तो धर्म अपने आप रक्षा करने लगता है। धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। धर्म के जैसा रक्षा करने वाला कोई नहीं। लेकिन धर्म वो, हिंदू नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, ईसाई नहीं, जो कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, निसर्ग का नियम है, उसकी रक्षा करें तो हमारी रक्षा होने लगी। गुरु जी, आपने धर्म को स्वभाव कहा, तो फिर किसका स्वभाव? बेटी, भूल गए हम, प्राचीन भारत में धर्म कहते थे स्वभाव को। धर्म ही अपने आप में स्वभाव, धर्म का अर्थ ही स्वभाव। कहा जाता था, वत्थु स्वभाव धम्म। निर्जीव हो, सजीव हो, कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, स्वभाव क्या है, उसी को धर्म कहते थे। अत्तनो स्वभाव धारेति इति धम्मो, अपना स्वभाव धारण करता है तो धर्म। ये पुरानी व्याख्या अब भूल गए लोग, लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे कोई पुरानी गूंज हमको सुनाई देती है, इस शब्द के सही अर्थ की गूंज सुनाई देती है। जब हम कहते हैं अग्नि का धर्म है जलना और जलाना,
तो क्या हुआ? अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना। इसमें ना हिंदू धर्म, ना बौद्ध धर्म, ना जैन धर्म, ना ईसाई धर्म, धर्म है उसका स्वभाव है। ऐसे ही कहें बर्फ का धर्म है शीतल होना और शीतल करना। अग्नि स्वयं भी जलेगी और जो उसके लपेट में आएगा उसको भी जलाएगी। बर्फ स्वयं भी शीतल और जो उसके संपर्क में आए उसको भी शीतल बनाए। बस इसी का नाम धर्म, इसी को धर्म कहते थे। तो हमारे मन में जो विकार जागते हैं, कोई भी चित्तवृत्ति जागती है, उसका क्या धर्म, उसका क्या स्वभाव? हमने बुरी चित्तवृत्ति जगाई, हमने दुर्भावना जगाई, द्वेष जगाया, ईर्ष्या जगाई, अहंकार जगाया, क्या धर्म उसका, मनुष्य का क्या स्वभाव? उसका स्वभाव है व्याकुल होना और व्याकुल करना। जो भी व्यक्ति अपने भीतर इस तरह के विकार जगाएगा, इस तरह की चित्तवृत्ति जगाएगा, तुरंत व्याकुल हो जाएगा और जो उसके संपर्क में आएंगे लोग उनको भी व्याकुल करेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे चित्त में मैत्री जागे, करुणा जागे, सद्भावना जागे, सद्वृत्तियां जागे, उनका क्या स्वभाव? उनका स्वभाव शीतलता, बड़ी शांति, बड़ी शीतलता मालूम होगी और जो संपर्क में आएगा उसको भी शांति प्रदान करेंगे, सारे वातावरण में शांति की तरंगे भर देंगे। तो हम भी सुखी हुए, शांत हुए, औरों को भी सुख शांति के रहने का हमने तरीका बना दिया, एक वातावरण बना दिया, सारे वातावरण में शांति भर दी। ये धर्म हुआ करता था। और इस धर्म को पालन करने का मतलब कि अपने को हिंदू कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, ईसाई कहे, कुछ भी कहे, चित्तवृत्तियां कैसी धारण कर रहा है? अगर चित्तवृत्तियां दूषित धारण कर रहा है तो हिंदू है तो भी व्याकुल होगा, बौद्ध है तो भी व्याकुल होगा, जैन है कि मुस्लिम है कि ईसाई है, सब व्याकुल होंगे। और अगर चित्त को निर्मल करके मैत्री, करुणा, सद्भावना जगाता है तो हिंदू जगाए वो भी सुखी होगा, शांत होगा, बौद्ध जगाए, जैन जगाए, मुस्लिम जगाए, ईसाई जगाए, जो जगाएगा वो सुख शांति का जीवन जिएगा। धर्म का ये व्याख्या, धर्म की ये परिभाषा फिर से भारत में जागेगी तो कल्याण हो जाएगा, अन्यथा संप्रदाय कोई धर्म मान रहे हैं तब कैसे होगा? जी गुरुजी, अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है। बिल्कुल गुरुजी, हमारे प्रोग्राम का अगला हिस्सा हमारे दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है। अच्छी बात। तो दर्शकों देखते रहिए ब्रेक के बाद। गुरुजी पहला प्रश्न आया बंबई से। कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की बहुत आराधना करते हैं जिसके कारण उन्हें कुछ खास उपलब्धियां भी मिलती हैं और उनसे वो दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक नहीं कहेंगे? भक्ति करने और उससे अपने चित्त को निर्मल करते करते उस अवस्था पर पहुंचना जहां विकारों का नामो निशान न हो तो भक्ति कल्याणकारिणी हो गई। अन्यथा भक्ति से कुछ संसारिक बातों की उपलब्धि हो सकती है। लक्ष्य क्या है? अगर भक्ति का लक्ष्य ये है कि हमारी कामना की पूर्ति हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये शक्ति प्राप्त हो जाए, वो सिद्धि प्राप्त हो जाए, ये यश प्राप्त हो जाए, ये कीर्ति प्राप्त हो जाए, तो कल्याणकारिणी बात नहीं हुई। भक्ति का लक्ष्य हो कि मैं किस तरह अपने चित्त को निर्मल करके धर्म का जीवन जीने लगूं, तो धर्म भक्ति कल्याणकारिणी हुई। अपने यहां रावण की बात सुनी होगी, बहुत भगत था, शिवजी का भक्त था, लेकिन उसका भक्ति का लक्ष्य क्या कि मुझको ये सिद्धि प्राप्त हो, ये शक्ति प्राप्त हो, यही लक्ष्य उसका। और भक्त तो खूब भक्ति में इतना निमग्न रहता था और कवि भी था, उसने भक्ति की कविताएं लिखी। एक कविता का अंश, जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम ममः। प्रतिक्षण रति रहती है, ध्यान रहता है किस बात पर? आपने उस इष्ट देव का,
उसके सिर पर गंगा की लहर लहरा रही है और उसके सिर पर, उसके माथे पर उसका तीसरा नेत्र अग्नि की तरह धधक रहा है और चंद्रमा है, दूज का चंद्रमा है, किशोर चंद्र है, वो उसको याद करता है, उसका ध्यान करता है और उसमें प्रतिक्षण रत रहता, कहता है प्रतिक्षण लेकिन फिर भी रत रहता है। लक्ष्य क्या है? कुछ सिद्धि प्राप्त कर लूं, कामनाएं ही कामनाएं, चैतन्य निर्मल नहीं हुआ तो परिणाम क्या हुआ? भक्ति का अहंकार जागा, अहंकार का गुलाम हो गया, क्रोध का गुलाम हो गया, वासना का गुलाम हो गया, पराई स्त्री को हर के ले गया और क्या परिणाम हुआ उसका? अपने सोने की लंका खो दी, अपने परिवार वालों को खो दिया, अरे स्वयं अपना जीवन खत्म कर दिया। तो भक्ति तो भक्ति थी लेकिन कहाँ ले गई? ठीक इसी प्रकार अनेक भक्त हुए जिनका लक्ष्य था चित्त को निर्मल करना है और धर्म का जीवन जीना है। एक उदाहरण अपने यहाँ, नरसिंह मेहता, बहुत भक्त लेकिन साथ साथ इस बात को समझते हैं कि शरीर सोधे बिना सार नहीं सांप पड़े, धर्म का सार नहीं मिलेगा जब तक कि शरीर के भीतर सच्चाई का दर्शन न कर ले, उसकी शोध न कर ले, उसकी खोज न कर ले। ऐसे आदमी का क्या हुआ? भक्ति करते करते कहाँ पहुंचा? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। अभिमान नहीं, सारा अभिमान नष्ट किया और प्यार ही प्यार, करना ही करना, चित्त की निर्मलता भक्ति कल्याणकारिणी हुई। और वही भक्ति जब आदमी नहीं समझता है लक्ष्य को ठीक से तो कितनी दुखदायी हुई, कितना अमंगलकारिणी हुई। जी गुरुजी, आपने तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। अगला प्रश्न पूछ रही है वंदना जी नासिक से। गुरुजी, ईश्वर ने पशु और मानव दोनों का निर्माण किया तो मनुष्य को प्रकृति के विरुद्ध जाने की बुद्धि क्यों दी? ये तो ईश्वर से पूछो। इस तरह की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हर व्यक्ति अपने वर्तमान को सुधारने की जिम्मेदारी उस पर है, बिगाड़ने की जिम्मेदारी उसकी है। होश रहेगा तो वो सुधारेगा। तो मनुष्य के पास इतनी बड़ी शक्ति है, वो अंतर्मुखी हो करके अपने आप को सुधारने का काम करेगा, खुद करना पड़ेगा, अपना मालिक आप है। अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति, स्वयं अपना मालिक है। होश नहीं है तो अपनी गति को दुर्गति बनाता है, होश है तो सदगति बनाता है। पशु के पास ही योग्यता नहीं है, मनुष्य के पास योग्यता है, इसमें ईश्वर क्या करेगा? अगर हम उस योग्यता का इस्तेमाल न करें, उस योग्यता को धारण न करें तो कमी हमारी है। जी गुरुजी, दर्शकों ऐसे ही प्रश्न भेजते रहिए, अगली बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, ऐसी भी एक मान्यता है कि लोग जब कोई क्रिया करते हैं, जैसे पूजा पाठ हो, प्रार्थना हो, भले ही उसमें उन्हें सुख शांति ना मिले लेकिन मरने के बाद तो स्वर्ग मिलेगा। मान्यता तो मान्यता है बेटी, लेकिन जिस व्यक्ति ने धर्म को समझ लिया, अंतर्मुखी होकर के कुदरत के कानून को, निसर्ग के नियम को, विश्व के विधान को अनुभूतियों पर उतार लिया, वो आदमी ऐसी बात नहीं करेगा। अरे लोक तो सुधरा ही नहीं और परलोक सुधरने की बात करे, यहां तो सुख शांति मिली नहीं लेकिन मरने के बाद जरूर मिल जाएगी, ये आशा नहीं दुराशा है जो कभी पूरी नहीं होती। आखिर भविष्य क्या है? वर्तमान की संतान है। हम अपना वर्तमान नहीं सुधार पाए, उसमें सुख शांति नहीं ले पाए तो आगे सुख शांति कैसे आएगी? इसीलिए जिन लोगों ने कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को, धर्म को सही रूप से समझ लिया वो यही कहेंगे, इद तपति पिच्च तपति पापकारी उभयत्थ तपति। यहां भी संतापित होगा, जो पापकारी है माने चित्त को मैला करने वाला व्यक्ति है, चित्त को मैला करके ही पाप किया जाता है, चित्त को मैला करने वाला व्यक्ति यहां भी संतापित होगा, व्याकुल होगा, आगे भी संतापन आएगा, व्याकुलता ही आएगी, इस जीवन में आएगी और इसके आगे अगला जीवन होगा तो उसमें आएगी, क्योंकि हमने वर्तमान को बिगाड़ा और भविष्य वर्तमान की संतान है।
ठीक इसी प्रकार हम सदाचरण का जीवन जी रहे हैं, चित्त को निर्मल करने का जीवन जी रहे हैं, फिर इदम उदति पिच्छम उदति कत पुण्यो उभयत्थम उदति। बेटी किसको पुण्य कहते हैं? पुराने समय में पुण्य कहते थे चित्त को पुनीत करने का, निर्मल करने का काम। जो आदमी अपने चित्त को निर्मल करने का काम करता है तो उसका सारा आचरण सदाचरण ही होगा, और उस सदाचरण से यहाँ भी सुख शांति, आगे भी सुख शांति, यहाँ भी आनंद, आगे भी आनंद, आनंद ही आनंद, इस जीवन में भी आनंद, इस जीवन के बाद मृत्यु होगी तो उसमें भी आनंद ही आनंद। तो धर्म की मुख्य बात ये कि चित्त को मैला नहीं होने दें। मैला होंगे तो दंड मिलेगा ही, यहाँ भी और आगे भी। चित्त को निर्मल रखें तो पुरस्कार मिलेगा, यहाँ भी और आगे भी। ये तो गुरुजी आपने बहुत ही अच्छी बात समझाई, मेरा मन तो आनंद से भर उठा है। शुक्रिया। सुखी हो बेटी। प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, आज का ये हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा, तो लिखते रहिए और देखते रहिए ऊर्जा।